हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार शाम 6 बजे प्रचार थम गया था। साथ ही अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 48 नगर परिषद व नगर पालिका में कुल 405 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 3093 उम्मीदवार पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। 19 जून को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के लिए चुनाव है। नगर परिषद के लिए कुल 456 वार्ड हैं, इसमें 54 वार्ड एससी, 36 एससी महिलाओं, 123 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 243 वार्ड अनारक्षित हैं। इसी तरह नगर पालिका में कुल 432 वार्ड हैं, इनमें से 53 एससी, 37 एससी महिलाओं, 116 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष बचे 226 वार्ड अनारक्षित। शांतिपूर्ण चुनाव आयोजित कराने के लिए आयोग ने IAS, IPS और आबकारी और कराधान आयुक्तों को बतौर इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इसमें जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर 25 IAS, पुलिस इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर 21 IPS और चुनावी खर्च देखने वाले इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर 21 आबकारी और कराधान आयुक्तों को नियुक्त किया गया है। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में मेयर बनने की महिलाएं भी इच्छुक हैं। प्रदेश में 44 नगर निकाय चुनावों में चेयरपर्सन के लिए कुल 177 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। इसमें से प्रदेश में 18 नगर परिषद में से 7 नगर परिषद का मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 7 में से 1 एससी महिला के लिए रिजर्व है। नगर परिषद में 85 महिला उम्मीदवार है। वहीं 28 नगर पालिकाओं में से 9 महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिनमें से 3 एससी महिला के लिए आरक्षित है। इसके लिए 92 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में 19 जून को होने वाले 18 नगर परिषदों के चुनाव में कल 456 वार्ड हैं। इन नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 185 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 100 पुरुष और 85 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी अनुसार स्थिति, भारतीय जनता पार्टी ने 14, आम आदमी पार्टी ने 18, इनेलो ने 15, बीएसपी ने 10, एलएसपी ने 4 और जेजेपी ने 4 उम्मीदवारों को नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। धनपति ने बताया कि नगर परिषद सदस्यों के लिए 1792 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 1076 पुरुष और 716 महिलाएं हैं। पार्टी अनुसार भाजपा ने 102, आम आदमी पार्टी ने 47, इनेलो ने 16, बीएसपी ने 1 उम्मीदवार को नगर परिषद सदस्य चुनाव में उतारा है। 28 नगर पालिकाओं के कुल 432 वार्डों में 220 उम्मीदवार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 128 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें से भाजपा ने 19, आम आदमी पार्टी ने 26, इनेलो ने 11, बीएसपी ने 7 और जेजेपी ने 4 उम्मीदवारों को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। नगर पालिका सदस्यों के लिए कुल 1301 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 783 पुरुष और 518 महिलाएं हैं। इसके लिए भाजपा ने 34, आम आदमी पार्टी ने 9, इनेलो ने 7 और बीएसपी ने 1 उम्मीदवार को टिकट दिया है। आज के लिए इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।